Hello everybody and welcome to yet another episode of Glamour Presents Bindaas Ye Hai Aashiqui. Hum zindagi mein kabhi kabhi kitna tez daudne lagte hain hai na ki zindagi mein zindagi naam ki koi cheez rehti nahi. Agar kuch reh jata hai to rehta hai ek race course. Ab Aman ki zindagi bhi kuch aisi thi jisme Aman aur Chain naam ki koi cheez hi nahi thi. अगर कुछ था तो वो थी एक मल्टीनेशनल कंपनी और उसकी रैट रेस. अब अमन जिस किस्म का लड़का था वो सक्सेस पाना चाहता और सक्सेस पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, कोई भी कीमत चुका सकता था और वो ये कीमत चुकाने के लिए रेडी भी खड़ा था. लेकिन कब तक? या अमन, एवरीथिंग इज रेडी फॉर द इवनिंग? बिल्कुल सर. नई नवेली दुल्हन की तरह सजाए. बस इंतजार कर रहा है कि कब आप आए और कब वो शर्माए. परफेक्ट अमन. बट मेक श्योर कि मेरे वाइफ को कुछ भी पता न चले इसके बारे में. सर, आप इतनी फिकर करोगे तो रोमांस कैसे करोगे? और दूसरी तरफ अवंतिका, एक स्वीट इनोसेंट सी स्मॉल टाउन गर्ल. अब देखना यह है कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होगी. साहब देखना बाद में, मुझे जाने तो, मेरा गैस खत्म हो रहा है. तो भाई साहब ऐसी चीज डालते क्यों जो खत्म हो जाए? अरे दिलीप जी, सुजीत सर कहें? थैंक यू मैम. प्लीज मेरी बात तो सुनिए. वो एक्चुअली मेरा ऑटो बीच रास्ते में खराब हो गया था, इसलिए मैं इतनी लेट हो गई. वरना जनरली मैं लेट नहीं होती हूँ. समझने की कोशिश कीजिए प्लीज. देखिए मैम, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है. ऐसा मत कीजिए, एटलीस्ट मुझे इंटरव्यू में जाने तो दीजिए. सी अवंतिका, आई विश आई कुड हेल्प यू बट रूल्स आर रूल्स. अमन चल. क्या हुआ सर? एक छोटा सा फेवर चाहिए था. वो लड़की देख रहे हैं? हाँ सर, वो सिर्फ 5 मिनट लेट है. आप एचआर हेड हैं, एंट्री दिला दीजिए प्लीज. क्यों, तेरी कुछ लगती है क्या? बहुत कुछ लगती है सर. सर मैं बताता हूँ ना आपको. क्या था? सोनाली. यस सर. लेटर इन. मिस अवंतिका, प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मैम. ये कान है या गुलाब की पंखुड़ियां? गुलाब की पंखुड़ियां? तो फिर इन पे इयररिंग्स का वजन मत डालिए, टूट के बिखर जाएंगे. चुप कर अमन, यू मेकिंग मी ब्लश. अरे मैम ये मेरी नहीं, सुजीत सर की लाइंस हैं. ओह रियली? यस ऑफ कोर्स. तब लिखी थी आपकी याद में जब सारे डिपार्टमेंट के बॉसेस की बोरिंग मीटिंग चल रही थी. ही लव्स यू सो मच. पता है वो मुझे क्या कह रहे थे ऑफिस में? कह रहे थे अमन, यार मैं कितना बड़ा भगा हूं कि मैं अपनी बीबी को इयररिंग्स दिलाने की छुट्टी भी नहीं ले सकता. कितने मायूस थे जब मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहे थे. आई एम सो सॉरी सुजीत, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो. ओके मैम, गुड डे, मिलते हैं जल्दी. सी यू. टेक केयर. टेक.
हाँ मन, काम हो गया सर आपका? वाह, शॉपिंग करा दी, मस्केबाजी करा दी, उनको हंसा दिया, रुला दिया, सर गिल्टी भी फील करा दिया। अब आप आराम से जाइए, टेरेस पर अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए अपने डेट के साथ। थैंक्स सर। थैंक्स नहीं सर, प्रमोशन। आई नो अमन, यू आर अ वेरी स्मार्ट बॉय। आई नो सर। चलो ऑफिस में मिलते हैं, बाय। ऑलराइट सर, टेक केयर। अरे थैंक यू मैम। कौन सा फ्लोर मैडम? नाइन्थ फ्लोर सर। आप? सर आप कौन से फ्लोर पे जाएंगे? अमन ना बैठ, ना बैठ। सुन ये बेटा, चक्कर क्या है? चक्कर सिंपल है यार, ओसीओ की सेक्रेटरी और मैं फट्टू। तू गोयल के डर से अवंतिका की कुर्बानी दे रहा है? सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये देख, मैसेज सेव करके, टाइप करके, ड्राफ्ट करके रखा है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी? भेजता इसलिए नहीं हूँ, याशी की महंगी ना पड़ जाए। जा बेटा, अब तू जाके मजनू के टीले पे बैठ जा, क्योंकि मैंने तेरा मैसेज अवंतिका को फॉरवर्ड कर दिया। ओ, पागल हो गया तू? ओए मिस्टर रमन, आपको गोयल साहब ने बुलाया। हेलो बेटा, आज तो गोयल तुझसे ज़ुम्बी डांस करवाएगा अपने रूम में। रखा दी ना आग। बेटा तू तो गया, जा। मिस्टर अमन वोहरा। I'm really sorry, वो मैसेज गलती से चला गया था। I'm sorry. It means that message wasn't for me. No, no, absolutely not. तो आप मुझे कॉफी पर नहीं ले जाना चाहते? मानो था आपको कॉफी पिलाने वाला, तो आपकी सैलरी इतनी अच्छी, आप खुद से कॉफी पी सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं इतनी बुरी दिखती हूँ, मुझे कोई कॉफी पे इनवाइट भी नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब आप तो कोई भी आपको कॉफी पिलाना चाहेगा, लेकिन वो आपका डिसीजन है ना कि आप किसके साथ जाते हो। तुम मीना, तो जो मतलब था वो बोलो ना। एनीवे, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। एंड बाय द वे, होल सर तुम्हें अपने कैबिन में डांटने के लिए नहीं, पर किसी और काम की वजह से बुला रहे। नाउ तो कॉफी? ओके, आज शाम को। अमन, बुलाया नहीं, बुलाना पड़ा। अमन, मैंने तुम्हारी कुंडली निकाली है। सर क्या है कुंडली में? पास्ट, सैड पास्ट। बाप के अरमा की घर के टेरेस पे रेस्टोरेंट खोले, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन अमन के पापा बिना रेस्टोरेंट के मर गए। देखो अमन, तुमने अपने बॉसेस को टेरेस दिया, उनकी बीवियों को शॉपिंग कराई,
किस लिए? प्रमोशन के लिए और पैसों के लिए? सर गलती हो गई सर। गलती हो गई है तो उसे रिपीट करो। मैं कुछ समझा नहीं सर। अमन आज शाम मुझे तुम्हारा टेरेस चाहिए। ओके सर। और तुम्हारे बेडरूम की चाबी। सर वो बेडरूम मेरे पिताजी का था सर। अमन ये छोटी सी कुर्बानी है और तुमने जिन लोगों के लिए किया है ना उनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो तुम्हें प्रमोशन का पी भी दे सके। और आज खुद प्रमोशन तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सोच रहे हो आई थॉट यू आर स्मार्ट बॉय। I'm still a smart boy, sir. अमन आधी रात के बाद मैं निकल जाऊंगा। आज मेरी वाइफ का बर्थडे। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर अस और वो मेरे बगैर केक नहीं काटेगी। तुम शाम को आ रही हो ना? I'm so lucky to have you. और हाँ, आज की शाम हमारे लिए एक स्पेशल शाम होगी। I want to surprise you. Okay. Bye. I'm so sorry, Aman. But actually, आज मैं थोड़ी tied up हूँ। क्या हम कॉफी पीने फिर कभी चल सकते हैं? भाई बॉस के कैबिन में क्या हुआ? कुछ नहीं। अबे ज्ञान मिलाया डांट? कुछ नहीं यार। फिर तो तेरी किस्मत खराब है यार। चले काम करते हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक। तू चल मैं आता हूं। चल। यस सर। अमन मैं यहाँ पे थोड़ा काम पे टाइड अप हूं। तुम ऐसा करो अपने घर पे जाओ और मेरे गेस्ट को रिसीव करो। सर लेकिन सॉरी अमन क्या हम कॉफी पीने फिर कभी चल सकते हैं? अमन वो मैं और म्यूजिक आए आई हैव चेक्ड फूड मेन्यू से मिस्टर गोयल विल जॉइन यू सून। अमन अमन लिसन टू मी प्लीज। आई नो तुम इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तुम गलत ना समझो इसके लिए मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहती हूँ। आई लव गोयल सर। और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 6 महीने से डेट कर रहे हैं। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज वाइफ। उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब जानती हूँ मैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द उनसे डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेंगे। Have a great life. Keep smiling. अमन ये बात अच्छे से जानता था कि उसका जो बॉस है गोयल वो अवंतिका के लिए कभी भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये बात जानते हुए भी वो अवंतिका से ये बात कभी कह नहीं सका
क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं उसके लिए उसका करियर, उसका ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कहते हैं ना, ड्रीम्स ऑफन कम विद अ प्राइस टैग, एंड अ प्राइस टैग विच इज नॉट ईजी टू पे। अवंती, तुम जल्दी से मेरा फ्यूचर बन जाओ ताकि मैं अपनी वाइफ को भुला सकूं। हाँ, बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद हम लोग इस तरह से छुप छुप के नहीं मिलेंगे। फॉर गॉड सेक अवंतिका, हम पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें अभी भी हमारा मिलना छुप के मिलना लग रहा है। इट हर्ट्स मी। विपुल, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता, मुझे इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता है। तुम परेशान क्यों? मैं जानता हूं, चलो मेरे साथ। विपुल, कहाँ जा रहे हैं हम? I have a surprise for you. विपुल, what's the surprise? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? I love you, Avanti. ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कितनी बार प्रूव करूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? And I'm ready to divorce my wife for you. Let's not waste time. Let's not waste time. Just stop it. आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूं जो एक शादीशुदा मर्द के साथ छुप गई। I love you, Avanti. I really love you. I really love you. Please, मुझे जाने दीजिए. Avanti, I really want you. If you really love me, then leave this room right now. I love you. What the hell? Stop wasting my time. साला घर होते हुए भी आप बेघरों की तरह। डॉक्टर साहब सुनिए ना, प्लीज चलिए, इमरजेंसी है प्लीज। इनका खून तो काफी बह गया, लेकिन डोंट वरी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अगले 12 घंटे तक ये सोती रहेंगी। यू टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू सो मच। सब ठीक हो जाएगा।
अमन, अवंतिका को जब होश आए तो उसे कह देना कि आई एम आउट ऑफ टाउन। सर बट कल रात हुआ क्या था? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जितना कहा जाए उतना किया करो, पर हाँ ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे चाहिए वो मैं भेज दूंगा। आराम से। वैसे मेरा पूछने का हक तो नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब कैसे हुआ? How did you end up like this? क्या हुआ? तुम आराम। सुनो अवंतिका, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे घर जाना है, प्लीज। नहीं अवंतिका, मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी हालत नहीं कहीं जाने की। तुम प्लीज सुनो मेरी बात, प्लीज। अमन प्लीज, मुझे घर जाना है, जाने दो, मुझे घर जाना है। समझने की कोशिश करो, तुम मेरा हाथ जोड़ो प्लीज। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं अवंतिका। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। तुम बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई हो, डॉक्टर हॉस्पिटल कहीं भी जाओगी 50 सवाल पूछेंगे, खुद तो फंसोगी मुझे भी फंसाओगी, पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ मैं। यही प्रॉब्लम तुम जैसे छोटे शहर की लड़कियों की, बड़े शहर आती हो न जाने क्या क्या करती हो और फंस जाती हो। घर पे फोन करके बोल दो कि ऑफिस के काम से बाहर हो, बताओ कहाँ फोन करूँ। अकेली रहती हूँ मैं यहाँ पर, मैं घर समझती है, लेकिन कोयल के जैसों के जांसों को प्यार समझ बैठती है। कुछ भी नहीं बचाया। अवंतिका, अवंतिका, प्लीज काम डाउन। तुम अकेली नहीं हो जिसको जिंदगी में दुख है, बहुत सारे लोग हैं। प्लीज प्रॉमिस मी, तुम जब तक ठीक नहीं होती सांस ही नहीं जाओगी। ओके, तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? प्लीज। हाँ ओके, सो तुम ये रुकना, मैं कॉफी बॉटल लेके आता हूँ। ओके, मेरे घर पे खत्म हो गया, लेकिन तुम हिलना मत और इस बार कोई प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। ओके पक्का? प्रॉमिस? जस्ट दो मिनट, वेट। Listen, yeah, change. I just come, 5 minutes. अवंतिका, you okay? मैंने पहली बार किसी इंसान को सच्चे दिल से चाहा था, उसे अपना माना था, और उसी ने मुझे धोखा दे दिया। शायद भगवान ने मेरे लिए किसी
किसी को बनाया ही नहीं है। या हो सकता है जिसे तुम प्यार समझ रही थी वो प्यार हो ही ना, और तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे आसपास तुम्हारे सामने हो, तुम्हें उसे नहीं देख पा रही। नहीं नहीं, मैं सामने खड़ा हूं इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा प्यार मैं हूं, हो सकता है वो डॉक्टर तुम्हारा सच्चा प्यार हो। ये पानी पियो, पानी। अवंतिका, कॉफी। लेट्स चीयर्स, यू मी कॉफी। अमन, एक तरफ तो अवंतिका का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, बहुत ही अच्छी देखभाल कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं उसे झूठ भी बोल रहा था, सच छुपा रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि अमन कहीं ना कहीं डरता था कि उसे जिंदगी में कभी भी अपने करियर और अवंतिका इन दोनों के बीच किसी एक को ना चुनना पड़े। अवंतिका, अवंतिका, मैं हूं झांसी तो अवंतिका, थैंक यू सो मच डॉक्टर, टेक केयर, बाय। अवंतिका, तुमने थैंक यू गुड बाय बोलने की जरूरत भी नहीं समझी ना, और समझोगी भी क्यों? यस, हु एम आई? आई एम नॉट गोयल, आई डोंट मीन एनीथिंग टू यू। तुमने अपने आंखों पे गोयल की पट्टी बांध रखी है और कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें। आई मेरी एब्सेंस में और सामान उठा के चलने लगी, ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो क्या होगा मेरा। वो एक्चुअली घर में मेरा दम घुट रहा था, लाइफ के बारे में बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे, इसलिए बस मैं वॉक करने गई थी। अच्छा तो ये माजरा है, ये है इसकी प्रमोशन का चक्कर। हेलो, कैन आई गेट मिसेस गोयल्स नंबर? पापा के जाने के बाद एकदम अकेला हो गया हूं, कोई नहीं है मेरा,
वही थे जो इस घर को रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, पर उनके जाने के बाद ये सिर्फ सपना ही रह गया। बस अब ये सपना ही अपना लगता है, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। फिर तुम मिली मुझे और वाइफ को अवंतिका के बारे में पता है। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जानता हूँ, लेकिन किसी आदमी ने मेरी वाइफ को फोन किया। कोई ऑफिस का होगा। क्या छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। Now you listen to me very carefully। तुम आज शाम ऑफिस की गेट टुगेदर में मेरी वाइफ से कहोगे कि अवंतिका का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो काफी महीनों से मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। तुमने मेरी वाइफ से कहना है कि वो सब पे डोरे डालती है। यू डू दिस फॉर मी, यू विल नॉट ओनली गेट प्रमोशन बल्कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का सपना भी पूरा हो जाएगा। एंड इन द मीनवाइल आई विल फायर अवंतिका। चल सी यू देन इन द ऑफिस। सो यू लाइड टू मी, यू न्यू ही वाज इन टाउन, और तुम ये भी जानते थे कि वो मेरे लिए अपनी वाइफ को कभी डिवोर्स नहीं देगा। हाँ, अपना और अपने पापा का सपना पूरा करने का हवाला देकर तुम ये कहोगे कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। गुड जॉब अमन, यू डिड अ रियली गुड जॉब। एंड या, यू वर राइट एक्चुअली। That wasn't love, but I found love, and I lost it again. Cheers! Congrats on the success. Aman, come. Sandhya, this is Aman. Aman, this is my wife Sandhya. Hello. He is a smart kid. And I'm sure कि तुम मेरी वाइफ से कुछ कहना चाहते हो, right? So everybody, you may leave now. एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात आप सबके सामने बताना चाहता हूं। आज मिस्टर गोयल ने अपनी सेक्रेटरी अवंतिका को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन क्यों ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ मैं जानता हूं। अमन, मिस्टर गोयल ने उस लड़की के साथ मेरे घर में, मेरे अपार्टमेंट में जबरदस्ती करने की कोशिश की, और ये बात सारी दुनिया को बताना चले, उनकी बीवी को बताना चले, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया। अमन, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें इसी वक्त फायर कर दूंगा। हाँ तो निकाल दो। I give a damn. Thank you.
मेरे पास कुछ और भी है। आपने जो अवंतिका के साथ मिसबिहेव किया उसके लिए। अवंतिका, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड। पता नहीं अब हमारा नया बॉस कौन होगा, कैसा होगा। गोयल हैज बीन सैग्ड। लोगों का कहना है कि उसने किसी ऑफिस के फीमेल एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की है, उसको सेक्सुअली हैरेस किया है। ये एम्प्लॉय कौन है ये तो नहीं बताया गया, पर 22nd फ्लोर का अमन, ही इज बीन अ विसल ब्लोअर। उसी की वजह से सारा सच सामने आया है। पर अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑल्सो बीन फायर्ड। यस अवंतिका, सब मैं जानती हूं कि एमएनसी हमेशा अपनी इमेज साफ रखना चाहती है, लेकिन अगर लोगों को पता चले कि यहाँ के बॉसेस यानी कि हेड्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स मिस्टर अमन बोरा का अपार्टमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज करते रहे हैं, तो फिर आई वंडर क्या होगा। इसलिए अगर मिस्टर अमन बोरा को उनकी नौकरी से निकाला जाता है तो उन सभी बॉसेस को भी निकाल देना चाहिए। सो या तो आप उन सभी लोगों को भी निकाल दीजिए नौकरी से, या फिर अपनी इज्जत पब्लिक में खराब होते हुए देखिए। लेकिन पब्लिक में जाने का मतलब अपने आप को पब्लिक में एक्सपोज करना है। मुझे अपनी परवाह नहीं है सर, लेकिन मैं अमन के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती। Anyway, I have nothing to lose here. जो भी है, you all will lose. तुम चाहती क्या हो अंतिका? अमन, we are sorry. कुछ confusion था। अवंतिका ने सब clear कर दिया है। Mr. Goyal is fired now. और तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया है एज ए मैनेजर। गुड लक। अवंतिका कहाँ है? She quit. Any idea? कहाँ गई है वो? I don't know, but I think वो झांसी की टिकट्स बुक कर रही है। अवंतिका तुम, मैं ऑफिस। हाय अमन, वो एक्चुअली आई नीडेड अ बिग फेवर फ्रॉम यू। वो क्या है ना, मेरे पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, सो मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी। है इश्क की शैतानियां जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर ये घर हमेशा से तुम्हारा था। लेकिन तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इंटर ऑफिस रोमांस इज नॉट अलाउड। हमारे आसपास की जिंदगी
हमें कब और कैसे बदल देती है ये हमें पता ही नहीं चलता। हम गलतियां करते हैं, हम धोखा खाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इफ वी मीट द राइट पर्सन एंड एट द राइट टाइम हम हमारी जिंदगी में की हुई गलतियों को सुधार भी सकते हैं और हमारी जिंदगी को सही रास्ते पर लाके खड़ा भी कर सकते हैं। आप हमारी इस कहानी को देख लीजिए, कैसे अवंतिका को अमन में एक अच्छा दोस्त मिल गया और दूसरी तरफ एक ओवर एम्बिशियस अमन को उसने जिंदगी के सही और गलत के मायने समझा दिए। कौन कहता है कि प्यार अंधा होता है, कभी कभी प्यार आपकी आंखें भी खोल देता है। That's true. Well, तो ये थी हमारी आज की आशिकी की दास्तान। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और प्यारी सी प्रेम कहानी लेकर। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉल इन लव गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।